इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव का हम लोग बनाते कैसे वो हम जान चुके हैं, बट आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव का निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि हमें पता है कि नॉट में नंबर कितने हैं, तीन है ना, कितने लेटर्स है, तीन। तो तीन लेटर्स हो गए, एक दो तीन, तो इसका प्लेस भी हमेशा कौन सा रहता है, तीन। दैट्स इट, बस आपको और कुछ नहीं करना। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नॉट का प्लेस कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है कि अगर वो डबल इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट थोड़ा कम्प्रोमाइज करके वो कौन से प्लेस पे चला जाता है, आफ्टर सब्जेक्ट, मतलब कि फोर्थ प्लेस पे। ओके, तो इसमें वो जाता है थर्ड प्लेस पे, और केवल एक ऐसा ही होता है कि मतलब डबल इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव है तो वो जाएगा फोर्थ नंबर पे। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दो, सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया, चिल्ड्रन। अब बताइए चिल्ड्रन इज सिंगुलर और प्लूरल, तो ये कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल, तो ये हो गया डू, डू चिल्ड्रन। और फिर जान, अब यहाँ पे क्या रहा है, निगेटिव है, तो नॉट कौन से नंबर पे आ गया, थर्ड प्लेस पे, तो डू चिल्ड्रन नॉट। और फिर जाने क्या होती है, गो, और फिर टू, और फिर कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो ये क्या हो गया, डू चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब मान लो इसी को हम लोग इधर बनाते हैं कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, कैसे की इंग्लिश क्या हो गई, हाउ, और फिर क्या आ जाएगा, डू, और फिर चिल्ड्रन। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट, तो हाउ डू चिल्ड्रेन और फिर नॉट गो टू स्कूल, तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ प्लेस पे आ जाएगा, ये केवल एक्सेप्शन होता है इसमें। तो अब समझ गए होंगे आपके इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो थर्ड प्लेस पे, और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसका नॉट कौन से नंबर पे आता है, फोर्थ प्लेस पे, बिकॉज दैट इज एक्सेप्शन। ओके, वेल गाइस, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव को हम लोग किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं। जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं वैसे ही हम लोग बिल्कुल इंट्रोगेटिव निगेटिव को बनाते हैं, बस प्लेस कौन सा रहता है नॉट का, थर्ड और फोर्थ। वेल गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू मेक द इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस विद द सेकंड। ओके, वेल गाइस, इफ यू आर न्यू इन दिस सेशन देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक। वेल गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। टिल द टाइम, स्टे होम, बी हैप्पी।